प्रदेश के सागर सतना बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। इससे पहले की खबरों पर विस्तार से चर्चा करें, आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दमोह में पंचायत प्रवास कार्यक्रम की बनाई गई रूपरेखा, लोगों तक पहुंचाया जाएगा सरकार के विकास कार्यों। समाजवादी पार्टी के नेता रामकृष्ण यादव पहुंचे रीगा, प्रदेश सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। सागर में ठेकेदार ने की रिपोर्टर के साथ मारपीट, भूमि निर्माण को लेकर कर रहा था कवरेज। मई की शुरुआत में गर्मी का सितम, टीकमगढ़ में 43 के पार पहुंचा पारा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दलितों के घर जाकर भोजन करने के बीच केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बेहद चौंकाने वाला कदम उठाया है। उमा भारती ने दलितों के साथ सामाजिक समरसता भोज में भोजन करने से इनकार कर दिया है। छतरपुर के नौगांव के ददरी गांव में पहुंची उमा भारती ने मन से घोषणा करते हुए कहा कि वो इस समरसता भोज में भोजन नहीं करेंगी। वो दलित के घर खाना खाने की जगह अपने घर पर दलितों को भोजन कराएंगी और परिवार के लोगों के झूठे बर्तन उठाएंगी। उन्होंने कहा कि हम भगवान राम नहीं है कि दलितों के साथ भोजन करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। दलितों को जब मैं अपने घर में अपने हाथों से खाना परोसूंगी तब मेरा घर धन्य होगा। शासन में बराबर की भागीदारी को सुनिश्चित कर गए, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि भारत को अगर मजबूत बनाने का काम किसी ने किया तो महात्मा गांधी के ही बराबर को बिठा दिया। उन्होंने शासन और सत्ता में पिछड़ों की, दलितों की, गरीब वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करी, लेकिन दो चीजें फिर भी रह गई। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रामवृक्ष यादव रीवा पहुंचे और कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी किसी भी विपक्षी दल से गठबंधन को तैयार है। उन्होंने कहा कि बीते 15 वर्ष से भाजपा की शिवराज सरकार प्रदेश में कायम है। ये सरकार भ्रष्टाचार और किसानों पर प्रताड़ना के रूप में जानी जाती है, इसलिए भाजपा को चुनाव में हराकर नई सरकार के गठन का लक्ष्य समाजवादी पार्टी ने रखा है। इसके साथ ही कहा कि वो सभी विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही रीवा जिले में संगठनात्मक स्थिति बेहतर है, इस वजह से हर विधानसभा से 6-6 नाम तय किए जाएंगे जिन्हें संगठन के पास भेजा जाएगा। इन्हीं नामों में से विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा होगी। बड़े बड़े उन्होंने काम किया, जैसे दुनिया भाग रही है, उन्होंने नकल किया, अमेरिका का नकल किया, जापान का नकल किया, दुनिया के जो प्रगतिशील देश हैं उनकी नकल करके हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को आगे किया। बहुत से उनके काम, एक्सप्रेस हाईवे जो दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे बनाया, आप जानते हो कि जिस पर लड़ाकू विमान अभी उतरा है बीजेपी के सरकार में, 108 नंबर की गाड़ी, 102 नंबर की गाड़ी, पेंशन, सारी चीज़ों उन्होंने अपने समय में दिया, मगर आज उत्तर प्रदेश बिल्कुल पिछड़ गया है। दमोह में जिला भाजपा कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें 14 मई से शुरू होने वाले पंचायत प्रवास कार्यक्रम की रूपरेखा बताई गई। इस कार्यक्रम में गांव में जाकर लोगों को 14 साल में बीजेपी के विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी और लोगों को योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता है उसकी जानकारी दी जाएगी। ये कार्यक्रम एक दिवसीय रहेगा। बैठक में वित्त मंत्री जयंत मलैया, विधायक लखन पटेल सहित जिले के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। दृष्टि सम्मान केंद्र उन रीति रिवाजों और परंपराओं को भी आगे बढ़ाना चाहता है जिसमें अतिथि देव भवों की बात कही है। संवाद केंद्र उन संस्थाओं को एक बार फिर से साकार देखना चाहता है जिसकी नींव हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने डाली थी। दुर्ग फिरोजपुर दुर्ग अंत्योदय एक्सप्रेस सागर पहुंची। ट्रेन के आने की आधिकारिक सूचना ना तो स्टेशन प्रबंधक को थी और ना ही रेलवे द्वारा स्थानीय जनता को दी गई। इस ट्रेन को स्पेशल बनाकर 6 मई से ये ट्रेन नियमित चलेगी। रेल राज्य मंत्री राजेंद्र गोसाई ने रायपुर से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ट्रेन का जगह जगह स्वागत किया गया। सागर में श्रीराम सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन का स्वागत किया। सागर में एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रिपोर्टर दबंग ठेकेदार की गुंडागर्दी का शिकार हो गया। एमपीसीजी न्यूज चैनल के रिपोर्टर मुकुल शुक्ला पर एस्कॉन कंपनी के सुपरवाइजर द्वारा उनके साथ लेबर ने कवरेज करने के दौरान कैमरा छीनने का प्रयास किया।
अनुराग शर्मा दोनों थाने पर आए, उन्होंने आके रिपोर्ट की कि ये राजघाट रोड पर एक निर्माणाधीन रोड है, वहाँ रिपोर्टिंग के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। वहाँ पर जो ठेकेदार है एस्कॉम कंपनी का, उस कंपनी के सुपरवाइजर रवि यादव ने इनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। उनकी रिपोर्ट पर MLC के उपरांत उनकी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सागर में भारत स्काउट गाइड की जिला परिषद की बैठक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सभागृह में आयोजित की गई। जिला परिषद निर्वाचन की बैठक में निर्वाचन अधिकारी UVS और निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम घोषित किए गए, जिसमें डॉक्टर सुदेव मिश्रा को निर्विरोध रूप में अध्यक्ष, सुशीला संतोष, रोहित अद्विति भट्ट, भूपेन्द्र सिंह, अनूप दुबे और दामोदर प्रसाद को उपाध्यक्ष चुना गया। जिला परिषद की बैठक स्काउटदाता के साथ प्रारंभ की गई। अध्यक्ष के लिए चुने गए मिश्रा ने कहा कि संस्था से जुड़ना मेरे लिए गौरव की बात है। मेरा प्रयास होगा कि स्काउट गाइड के बच्चों के विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्रों को विकसित किया जाए और अशासकीय स्कूलों में स्काउटिंग के नए दलों को खोलने का संकल्प है। इससे पहले जिला प्रशिक्षण आयुक्त SV पटेले ने स्काउट की परंपरा अनुसार सभी को स्कार्फ पहनाकर संघ से जोड़ा। प्रकाश दिसौरिया राज्य संगठन आयुक्त स्काउट परिवेशक चुनाव मध्य प्रदेश द्वारा पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई गई। सागर महोत्सव का आगाज लोक नृत्यों से हुआ। प्रदेश के बधाई और भाटिया नृत्य सहित 5 प्रदेशों के लोक नृत्यों की प्रस्तुति 70 कलाकारों द्वारा दी गई। इसमें सागर के 20 लोक कलाकार शामिल रहे। महोत्सव की अंतिम प्रस्तुति बधाई नृत्य की रही, जिसमें नवल प्रयास केंद्र के लोक नृतकों ने दर्शकों की तालियां बटोरी। इससे पहले बीच मंच महाराष्ट्र का लावणी सहित कई नृत्य की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों को बांधे रखा। आयोजक मयंक तिवारी ने बताया कि लोक एवं पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का उत्साह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और संस्कृति संचालनालय भोपाल के सहयोग से नवल प्रयास कला केंद्र द्वारा आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ शैलेश केसरवा ने, संयोजक जयभूजा प्रकोष्ठ, IAS शशि कर्णावत और कला गुरु विष्णु पाठक ने दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिया। सिवनी में सूरज की बढ़ती तपिश के साथ सिवनी में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। गर्मी के कारण कुएं सूख गए हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पानी लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इससे आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने हाईवे बाईपास मार्ग पर उतरकर जाम लगाकर जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। इसके साथ ही लोगों ने पानी की समस्या को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर साहब को बताए थे? नहीं बताए कलेक्टर साहब से। अब जा है ना कलेक्टर साहब से बोल रहे हैं, आपने इससे बताए, सचिव सरपंच से बताए, सब से बताए, समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। पिछले साल ही पानी की समस्या थी ना इसे। ये कोई चीज नहीं सुन रहा है, लेखा पढ़ी में सचिव सरपंच को। सागर के समुद्र उपार्जन केंद्र से लगे जंगल में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उपार्जन केंद्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि केंद्र में हजारों क्विंटल गेहूं खुले में पड़ा हुआ था और समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो काफी नुकसान हो जाता। टीकमगढ़ में मई की शुरुआत होने के साथ ही गर्मी भी बढ़ने लगी है। पिछले एक सप्ताह से तापमान लगातार 41-42 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है।
तेज गर्मी का असर नगर की सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। लोग धूप में निकलने से बच रहे हैं। बारिश के बाद तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली और शहर में लू चलने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वही मौसम विभाग ने शहर में और गर्मी बढ़ने के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही डॉक्टरों ने गर्मी में निकलने वाले लोगों से स्वास्थ्य का खासा ध्यान रखने की सलाह दी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए पत्रिका मध्य प्रदेश के साथ। Thank you.